हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी को बहुत ही आसानी से कैसे हम धोती पहना सकते हैं, और धोती के साथ साथ यहां पर मैं पग का आइडिया भी शेयर कर रही हूं कि आप लड्डू गोपाल जी को पग कैसे बांध सकते हैं। वैसे मैंने पिछले कई वीडियोज़ में ये शेयर भी किया है, लेकिन आज धोती के साथ मुझे ये पगड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी लड्डू पर, तो मैंने धोती और पग दोनों का आइडिया आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे आसानी से आप लड्डू गोपाल जी को धोती और पग बांध सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। धोती पहनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल वाइट कपड़ा लिया है। उसकी लेंथ डिपेंड करता है आपके लड्डू गोपाल जी का साइज़ कितना है। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा बड़ा कपड़ा था, तो मैंने उसे फ़ोल्ड कर लिया है और फिर मैं लड्डू को धोती पहना रही हूँ। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े साइज़ के हैं तो आपको फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, लेंथ में ही आप थोड़ा लंबा कपड़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है, लड्डू के अराउंड मैंने इसे रैप कर दिया है। ऐसे मैंने ये कपड़ा लिया है दो साइड्स में। आप लेफ़्ट साइड थोड़ा छोटा ले सकते हैं, राइट साइड थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, और इस तरीके से दूसरा साइड भी हम यहाँ से हाथ के लड्डू के हाथ के पास से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमें बीच में यहाँ पर गांठ बांधनी होती है, तो वो तो लड्डू गोपाल जी हमारे छोटे हैं, हम ये नहीं कर सकते। अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये ग्लू गम का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ये वैक्स लगा दूँगी और दोनों साइड्स को अच्छे से इसमें चिपका दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, मैं कैसे कर रही हूँ। ये अब अच्छे से स्टिक हो चुका है। अब जो इसका लेफ़्ट साइड था थोड़ा छोटा वाला, उस पर हम प्लेट्स बनाएंगे। तो ये नॉर्मल प्लेट्स बना रही हूँ मैं, जैसे हम साड़ी वगैरह में बनाते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ऐसे आप प्लेट्स बना दीजिए। और ये प्लेट्स जो हमने बनाई है वो हम पीछे लेके जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आपको पीछे लेके जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लीट्स हमने बनाई है वो बनी रहे, वो खुले ना, और बस फिर इस तरीके से टर्न लेकर पीछे जो हमने कपड़ा है वो लड्डू की धोती पे अंदर उसे टक इन कर देना है। आप चाहें तो वैक्स का यूज़ करके उसे स्टिक भी कर सकते हैं। अगर आप वैक्स नहीं है आपके पास तो आप उस पिन का भी यूज़ करके पिन लगा सकते हैं, बट बहुत ही ध्यान से आपको ये करना होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने प्लीट्स ठीक कर ली है और अब मैं इसे टक इन कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, एग्जैक्ट धोती वाला लुक आया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही है लड्डू पर ये धोती। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है लड्डू पर ये लुक। तो फ्रेंड्स बस अब हमने पीछे से धोती लड्डू की एकदम सेट कर दी है। अब जो कपड़ा बचा हुआ है उसके लिए क्या करना है आपको मैं ये बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक फिर से वो कपड़ा जो था उसका एक टर्न ले लिया है। अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसकी हम प्लीट्स बनाएंगे, जैसे हमने पिछले के लिए बनाई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको रैप करने की ज़रूरत नहीं है एक और बार, वो बड़ा कपड़ा ही आप उसकी प्लीट्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी का साइज़ छोटा है तो फिर आपको ऐसे करना होगा, या तो आप चाहें तो छोटा कपड़ा भी ले सकते हैं। मेरे कपड़े की लेंथ जो मैंने ली थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसे एक टर्न और दिया है, एक बार और रैप किया है। बस अब मैंने यहाँ पर थोड़ी वैक्स लगाई है और प्लीट्स बनाकर लगा दिया है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, धोती एकदम रेडी हो चुकी है। लड्डू पर मैंने लड्डू को बांध दी है धोती, और अब हम पगड़ी बांधेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए भी मैंने सेम कपड़ा ही यूज़ किया है। दोनों ही मैंने धोती के लिए वाइट और पग के लिए भी सफ़ेद कपड़ा ही लिया है। अब हम आसानी से लड्डू की पग इस तरह बांध सकते हैं। और फ्रेंड्स, लड्डू को शायद ये पग बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर करी थी, एक बार ही मैंने पग बांधी और लड्डू ने आसानी से बंधवा ली, तो लड्डू को ये बहुत पसंद आती है। और मैंने लास्ट वीडियो में ये भी दिखाया था फ्रेंड्स कि मौली धागा से भी आप कैसे पग बांध सकते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने चेक ना की हो तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर चेक करना, बहुत अच्छी बहुत प्यारी वीडियो है वो भी। लड्डू गोपाल जी उस पग पर भी बहुत अच्छे लग रहे थे।
तो फ्रेंड्स ये देखिए पीछे मैंने पिन लगा दिया है पग पर ताकि वो खुले ना। आप चाहें तो वैक्स लगाइए या पिन भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए लड्डू रेडी हो चुके हैं। पग और धोती बहुत ही सुंदर लग रही है लड्डू पर। अब मैं इनका हल्का सा श्रृंगार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने तुलसी माला ली है। ये तुलसी माला को मैंने रैप कर लिया है 3 बार क्योंकि थोड़ी लंबी थी, तो इस तरीके से मैंने इसे रैप कर लिया है और फिर लड्डू को मैंने ये पहनाई है। तो आप देख सकते हैं लड्डू कितने प्यारे और अलग ही रूप लग रहा है आज लड्डू का। बहुत सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड्स लड्डू गोपाल जी। और बस अब हम इन्हें छोटे छोटे इयररिंग्स पहना देंगे वाइट कलर के। ये देखिए फ्रेंड्स लग रहे हैं ना लड्डू बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो ये देखिए अब मैंने लड्डू को दोनों इयररिंग्स पहना दिए हैं और ये पग और धोती पर भी ये इयररिंग्स बहुत प्यारे लग रहे हैं फ्रेंड्स। लड्डू का हम एकदम हल्का श्रृंगार करने वाले हैं। आज इन्होंने धोती और पग बांधी है तो एकदम हल्का श्रृंगार करेंगे, हैवी मेकअप नहीं करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अब मैं लड्डू को लगा रही हूँ तिलक। तो मैंने लड्डू को तिलक भी लगा दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं ना लड्डू, बहुत बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो ये अलग ही रूप लग रहा है आज इनका। तो अब मैं थोड़ा कैमरा पास कर रही हूँ और लड्डू गोपाल जी के अच्छे से आप लोगों को दर्शन करा दूँगी। आप देख लीजिए लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करना और बताना कि लड्डू गोपाल जी का ये इतना प्यारा रूप आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग भी बताएंगे तो मुझे और ज़्यादा खुशी होगी फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग अपने व्यूज़ शेयर करना मुझसे। और इनफैक्ट आप लोग भी लड्डू गोपाल जी का ऐसा श्रृंगार कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी को ऐसे धोती पहना सकते हैं, पग बांध सकते हैं और लड्डू गोपाल जी की पिक भी प्लीज़ मुझसे शेयर कर सकते हैं अगर आप लड्डू गोपाल जी का ये श्रृंगार करेंगे तो। इंस्टाग्राम पर मुझसे ये पिक आप लड्डू गोपाल जी की ज़रूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स मुझे तो लड्डू का ये रूप बहुत ही अच्छा लगा। मैं वेट करूँगी आप सभी लोगों के प्यारे प्यारे कॉमेंट्स का, तो प्लीज़ मुझे बताना। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को लड्डू गोपाल जी का ये प्यारे प्यारे वीडियोस देखने का मौका मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है लड्डू गोपाल कृपा, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं आप सभी लोगों को मिलते रहें। और फ्रेंड्स आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि दी आपके वीडियोस का नोटिफिकेशन हमें नहीं आता, तो आप बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस पर जाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा।